7.2.4 परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं और उनके कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन तथा कई प्रकार के पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका द्वारा होता है। हजारों सालों से लोग यह जानते थे कि रक्त नलियों में बहता है और यह नलियां हृदय से जुड़ी हैं, पर यह धारणा थी कि हर धड़कन के साथ रक्त हृदय से बाहर नलियों से होकर बहता है और फिर हृदय में अवशोषित हो जाता है। आगे चलकर अलग अलग नलियों की भी पहचान और नामकरण हुआ, पर हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है और इसमें हृदय की ठीक क्या भूमिका है, यह काफ़ी समय के लिए पहेली बना रहा। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हुए शोध से शरीर में रक्त के बहाव संबंधी समझ बनी। इसका श्रेय मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी के विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक को दिया जा सकता है। उनके लगभग समसामयिक साथी के एक और प्रयोग के परिणाम से यह स्थापित हुआ था कि शिराओं में वाल्व होते हैं जिससे रक्त एक दिशा में बहता है। इस परिणाम से प्रभावित होकर हार्वे ने शरीर में रक्त के बहाव अर्थात परिसंचरण को समझने के लिए कई प्रयोग शुरू किए। इनके एक प्रयोग को आप भी करके देख सकते हैं।